सोशल मीडिया पर किसान प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए कई पुरानी वीडियोस और तस्वीरों के जरिए झूठे दावे चलाए गए हैं। इसी बीच 4 फरवरी 2021 को सुदर्शन न्यूज ने बस पर हमला करने का एक वीडियो ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए इस चैनल ने लिखा, बड़े धैर्य के साथ देश देख रहा है सब कुछ, सिर्फ करने वालों को नहीं उनका साथ भी देने वालों को। इसके साथ ही उन्होंने 2 हैशटैग्स भी इस्तेमाल किए, #IndiaAgainstPropaganda और #KhalistaniExposed। फेसबुक पेज हरियाणा रोडवेज हरियाणा राज्य परिवहन ने यह वीडियो 3 फरवरी को पोस्ट किया। फेसबुक और ट्विटर पर यह वीडियो वायरल है। फेसबुक पेज वैदिक ट्राइब ने भी यह वीडियो किसान प्रदर्शन से जोड़कर ही पोस्ट किया। कीवर्ड सर्च करने पर हमने पाया कि यह वीडियो YouTube पर सितंबर 2019 में अपलोड किया गया था। पंजाबी मीडिया आउटलेट जगबानी ने 21 सितंबर 2019 को यह वीडियो पंजाब के कपूरथला नकोदर रोड की घटना बताकर अपलोड किया था। 22 सितंबर 2019 की दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक 14 सितंबर 2019 को कपूरथला नकोदर रोड पर कुछ निहंग सिखों ने कृपाण से कपूरथला PRTC डिपो की एक बस पर हमला कर दिया था। मामला बस से घोड़े के चोटिल होने से शुरू हुआ। गुस्साए निहंग सिखों ने बस को घेरकर तलवारों से हमला किया। ड्राइवर ने निहंग सिखों से घोड़े का इलाज करवा देने की बात भी कही थी, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया। इसी रिपोर्ट में थाना कालसंघिया के ASI बलबीर सिंह के हवाले से बताया गया कि शिकायत और वायरल हुए वीडियो के आधार पर अज्ञात 4 निहंगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा अमर उजाला ने भी इस घटना के बारे में 22 सितंबर 2019 को आर्टिकल पब्लिश किया था। कुल मिलाकर सितंबर 2019 में निहंग सिखों के एक बस पर हमला करने का वीडियो हाल में किसान आंदोलन से जोड़कर शेयर किया गया। सुदर्शन न्यूज ने यह वीडियो शेयर करते हुए #KhalistaniExposed लिखा।